यार अंदर चले यार, बहुत बड़ा सांस था। ओह माय गॉड, रात के कॉफी को कैसे भाग गई। और इतना बड़ा सांप, मतलब ओह माय गॉड, बहुत बड़ा सांप था। मतलब मैं लाहौर गई थी ना, वहां पर भी मैंने एक सांप पकड़ा था, लेकिन वो सांप जो था ना, वो बड़ा शरीफ सांप था। वो इस तरह से नहीं कर रहा था जैसे ये कर रहा है, मतलब उसको भी पकड़ना मुश्किल था। हाँ यार, वो शरीफ था, वाकई था। उसने खुद मतलब ये देख रहा कितना हिल रहा था, उसको तो मैंने जोर से इतनी पकड़ा हुआ था, वो हिल ही नहीं पा रहा था। लेकिन ये मुझे डर लग रहा था कि घर में ना गुस्सा है, इतना ज़्यादा स्कैरी था। तुम बताओ रहा, तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा सांप को इतनी करीब से देखने का, वो भी इतने बड़े सांप को? फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है मैंने सांप को माय गॉड, मैंने किया था वो तो, पेपर का सांप इसके ऊपर फेंका, ये चीखे मारने लग गई। और ये अगर असल का पास आ जाए, वो तो डरोना भी नहीं था, तो ये तो असल सांप को देखकर बेहोश हो जाए अपने पास, है ना। अलीसा तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें डर नहीं लगा? मैं डर नहीं लगा अलीसा, वो इतना बड़ा सांप था। सर परेशानी ना अम्मी को होती है, अम्मी तो हमें देखने भी नहीं दे रही थी। अम्मी कैसा लगा आपको सांप? डर लगता है। डर लगता है, वही तो मैं आपको देखने भी नहीं दे रही थी। कोई नहीं, यहाँ पर भी जो बोरियां भरी थी सारी ऊपर लेकर जा रहे हैं पापा जी। और इधर जो है ये देखो, ये मैं पेंट कर रही थी साथ साथ, ये देखो इधर भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, अभी ये सारा करना है। लेकिन सीढ़ियाँ बिजी हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल ये वाली दीवार करूँगी, सही है। फिर से भाई ये फट्टे शट्टे भी अभी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो है ना यहाँ पर पड़े थे, तो काम नहीं मैं कर पा रही थी। वो देखे मैं इतना सा काम किया है, ये जो सामने वाला है, तो बाकी ये पट्टे शट्टे अब यहाँ से उठाए जाएंगे, तो फिर बाकी काम जो है ना होगा। तो पापा जी यहाँ पर ले आए हैं अंकल को, तो देखते हैं ये सारे ले जाएंगे आज। तुम क्या यहाँ पर बैठी हुई है, तुम्हें कोई काम नहीं है? बस डंडियाँ निकालनी आती हैं। वाह भाई वाह, बड़ा काम है, झूला कह रही है यही काम है कि यहाँ पे झूले झूले खाना है। वाह भाई वाह, मैं यहाँ पर अच्छी तरह से कवर किया हुआ है, क्योंकि यार बड़ा अरसा हो गया मुझे मुझे अपने बालों को थोड़ा सा ठीक करने में, बड़े ज़्यादा ख़राब थे मेरे बाल। आज मैंने कहा चलो ये चेंज करना है, अपने बालों को थोड़ा सेट करना है। क्या हो रहा है, क्या हुआ? सही बात है, पहले असल में काम चल रहा है ना यहाँ पे, तो काम चलने की वजह से यहाँ पर गंदी पड़ा रहता है।
ਹੈਗਾ ਪਲਸਟਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਉੱਤੇ ਆ ਵੇਖਾ लड़की उठ जाओ, कोई तो काम कर लो। क्या मतलब ये खेल रही हो यार? नहीं कर रही हो लेकिन बहुत थोड़ा। रोज एक काम करती हूँ, बैठ जाती हो। इधर भाई खाने का टाइम हो चुका था, सब लोगों ने मिलकर खाया है खाना और ये मोटी अभी तक खाना खा रही है। तुम्हें और कोई काम नहीं है? चलो जल्दी करो। हाँ जी पापा, टाइम वही हुआ है जो कल हुआ था। निकल तो इस वक्त पता नहीं क्या हुआ था। ये नहीं पता तो फिर कैसे बताऊँ आपको क्या हुआ था? तुम लोग ये अब खेलने के चक्कर में लग जाओ, काम रहने देते हैं, खेल लेते हैं। इधर रख दो अम्मी बतूल को, रोको। नहीं काम छाड़ देने, रहने देने। पापा वैसे ही कोई बात कर रहे हैं, हमें डांटने लग जाती है। हम दो में बैठे हैं, वो खेल रहे हैं। वही तो बात है, उसको खेलने के लिए फिर किसने बोला है? काम करने आई है तो काम करे। सो फाइनली जी ये चेक करें, अभी यहाँ से जो है ना हमारा पेंट हो गया। ये एक पॉट हुआ है, हमारा जादू है। हाँ तुम्हारा जादू है, ये पेंट तो मैंने किया है। ये जो है ना ये अभी चूने का अस्तर लगाया है। पहले जो है ना अस्तर लगाना पड़ता है इसे, तो इसके बाद जो है ना पेंट करेंगे तकरीबन इतने कुछ टाइम पहले। तो अभी जो है ये सब कर रही हैं। ये देखें यहाँ पर जो गंद पड़ा हुआ था वो भी सारा समेट लिया है। और चेक करो क्या प्यारा खूबसूरत लग रहा है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छा लग रहा है यार। कौन आया है? नानी अम्मी आई हैं, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। हमारी नानी अम्मी भी आ चुकी हैं। आज माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आज अम्मी जी पकड़ो और हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो नानी अम्मी का। ले आओ ले आओ ले आओ, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, की हाल है? ठीक हो? ठीक है। सारे मैं भी कर दे। चलो चलो आज तो फिर हां जी आ देखो अम्मी जी, अच्छे सारा जेड़ा बना प्लास्टर कर लिया, हुण ना इत्थे चूना भी फेरना है। सही हो गया अम्मी, पौड़ियां देखो कितनी प्यारियां बन गया। आमीन। हाँ अंदर जो कल असी ये उत्ते ना पवा के असी बट हाँ असी ना ये उत्ते सुबह की नाम चुकना फिर नहीं ताकि दीवारा में खुश हो जाए, ठीक हो गया तो बाहर इंशाल्लाह करवा लांगे पता। बटा दे दे मम्मा दा, बस मिजी नहीं करेगी। तो कोई नहीं यार, एक दूसरे बटा ला ही लेना बंदा। होर मी घर बार सब ठीक, सारे ठीक। की करन ने मेरे? व्यूअर्स नाम सलाम लै लो, मेरे व्यूअर्स भी तुहानू सलाम कह रहे आ। हाँ व्यूअर्स, ये हमारी नानी अम्मी है और आज हमारा घर तकरीबन कंप्लीट है और हमारी नानी अम्मी हमारे घर आई है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अम्मी कैसा लगा घर? अच्छा बन गया? मैंने कहा घर अच्छा बन गया।
वैसे तो ये सीढ़ियों वाले साइड भी कर लिया है और ये भी अभी इसको सूखने में लगेगा एक दिन। इसका दूसरा कोट जो है वो कल लगेगा, आज नहीं लगेगा, तो वो देखते हैं कब लगा। सुबह 8 बजे ये गनशेड भी तो क्लोज करो ना, तो कर दें। हाँ तो बिकॉज़ वहाँ की सफाई वगैरह तो मुकम्मल हो चुकी थी और बहुत रात भी हो चुकी थी और काम की वजह से मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मतलब इस परेशान के यार खुश थी, तो काम के चक्कर में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने आगे ब्लॉग भी बनाना है। सो अभी सफाई वगैरह करके हम लोग पहुँचे हैं जी घर। घर का हालात ये हुए पड़े हैं इस वक्त क्योंकि रात का टाइम है और दूसरा हमारा बल्ब जो है ना वो ख़राब हो चुका है। तो अभी हम लोग पापा का वेट कर रहे हैं क्योंकि पापा गए हुए हैं पानी लेने के लिए, वो आएंगे तो फिर बल्ब का कुछ करेंगे। फिलहाल हम लोगों को यहीं पे ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। तो इधर हमारे बिस्तर वगैरह क्योंकि सर्दी हल्की फुल्की आ गई है तो हम इसको सेट कर रहे हैं। क्यों राहत, तो फिर कैसा लगा आज अपना घर? बहुत प्यारा यार, मैंने एंड वाला क्लिप नहीं बनाया, इतना प्यारा लग रहा था साफ सफाई करने के बाद। आमीन। आप सब भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम लोग जो है यहाँ से शिफ्टिंग की तैयारी करेंगे, बल्कि तैयारी नहीं करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। कल की रात वहाँ पर हम लोग गुजारेंगे। तो आप लोगों ने ढेर सारी दुआएं करनी है, अपने व्लॉग को मैं यहीं पेंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।